आज है छुट्टी का दिन, इसलिए आराम से दोपहर में पहुंचा मैं जिम और पी पहले ब्लैक कॉफी और शुरू किया आज का वर्कआउट। सबसे पहले किए 10 रिपीटेशन के 10 सेट इंक्लाइन पुशअप, फिर लगाए 10 सेट बेंच प्रेस फ्लैट, वो भी 10 रिपीटेशन के साथ, फिर इंक्लाइन बेंच प्रेस और इसी तरह से एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए पैक फ्लाई, फिर 10 सेट लगाए चेस्ट प्रेस सेम वेट लोड के साथ, 10 सेट लगाए केबल कर्ल के, वो भी डिक्लाइन। फिर जल्दी से मैं पहुंचा घर और मैंने लिए सैंडविचेस। ब्रेकफास्ट का तो टाइम ही निकल गया पर डाइट पूरी ठीक से करनी है। लंच में ली मूंग की दाल उबली हुई, हल्का सा तड़का लगा हुआ। 5 बजे के आसपास ली ग्रीन टी और साथ में कुछ कुकीज। डिनर में ली मूंग की दाल उबली हुई विद वेजिटेबल। अब मैं चला सोने, मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। दोस्तों अपनी आज की हालत को देखते हुए कभी आपने अज्यूम किया है कि जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपकी फिटनेस कैसे होगी? अगर नहीं तो अभी भी बहुत वक्त है सब कुछ ठीक करने के लिए। ब्रेकफास्ट में लिया ड्राई फ्रूट वाला प्रोटीन शेक और बनाना। लंच में लिया घिया की सब्जी उबली हुई। 5 बजे के आसपास ली ब्लैक कॉफी, वो भी कुकीज के साथ। और शाम को पहुंचा अपनी बेटी के साथ जिम। बहुत अच्छा लगता है जब लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी फैमिली भी साथ होती है। ब्लैक कॉफी पी के शुरू किया आज का वर्कआउट। सबसे पहले किए 10 रिपीटेशन के 10 सेट देसी पुशअप के और आज किया बाइसेप्स का वर्कआउट। अगर एक बार आपने सोच लिया कि अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है और उस पर काम करना शुरू किया तो रिजल्ट्स जरूर अचीव होंगे। इसीलिए निरंतर प्रयास करते रहो, क्योंकि जैसे एक दिन में बहुत अधिक फैट नहीं बढ़ता, ठीक उस तरह से एक दिन में बहुत जल्दी मसल भी नहीं बनता। लगातार मेहनत करनी होती है। डिनर में लिए उबले हुए राजमा। अब मैं चला सोने, कल सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। सुबह जिम पहुंचकर सबसे पहले पी ब्लैक कॉफी और शुरू किया आज का वार्म अप। और वार्म अप में की ये वाली एक्सरसाइज 10 रिपीटेशन के 10 सेट्स। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग में आज करेंगे बाइसेप्स का वर्कआउट। हर एक्सरसाइज के करेंगे 10 सेट के 10 रिपीटेशन और सेम वेट लोड के साथ। जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग में बहुत बढ़िया काम करती है। मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में आप अपने वर्कआउट और डाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय सबसे बेस्ट समय होता है अच्छी तरीके से वर्कआउट करने का और डाइट करने का। ब्रेकफास्ट में लिए उबले हुए छोले विद वेजिटेबल और फिर मैं पहुंचा अपने ऑफिस, जहां पर सारा काम रूटीन से चल रहा था। चेक किया पूरा प्लांट कि कितना काम लेजर का हो गया, कितना बेंडिंग का हो गया, क्या क्लाइंट की डील हुई है। और फिर लंच में लिया उबली हुई दाल, थोड़े से छोले और सैलेड। 5 बजे के आसपास भी ब्लैक कॉफी और शाम को मैं पहुंचा लॉयंस क्लब के प्रोग्राम में, जहां पर मैंने डिनर में लिए सोया चाप। मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट।